ओके सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोट के साउंड बार के बारे में, जिसकी मतलब लंबाई कुछ इतनी है। अभी मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा आगे वीडियो में कि ये कितना लंबा है, कितना इफेक्टिव है, क्या आपको उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और वैसे में अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो मेरा नाम है राज और आप लोग देख रहे हो टेक्निकल सब्जेक्ट्स विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम। वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी। गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको इस साउंड बार के अंदर क्या क्या फीचर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर आपको जो है ब्लूटूथ 5.2 टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है और उसके साथ में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो इससे आप इसको टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको उसको टीवी के साथ नहीं कनेक्ट करना और ऐसे ही ब्लूटूथ साउंड बार की तरह यूज़ करना है तो वैसे भी आप कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने इसको यूज़ किया है, मतलब आज के दिन तक यूज़ किया। अभी आपको इसके बारे में और भी जानना हो या फिर इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू ऐसा कुछ चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, हम जो है बना के आपको दिखा देंगे। बाकी इसके अंदर आपको बहुत सारे मोड्स जो है वो देखने मिल जाते हैं जो आपको एक साउंड बार के अंदर चाहिए, यूएसबी ऑक्स और ऑप्टिकल एचडीएमआई और बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स जो मतलब आपको ज़रूरी होते हैं एक साउंड बार के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। और इसके साथ में आपको एक स्लिमलेस का एक अच्छा सा रिमोट भी देखने को मिल जाता है जिसके अंदर भी आपको जो है ज़रूरत के सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और अब पूरा आते हैं अनबॉक्सिंग के ऊपर, तो गाइस इसको फटाफट से करते हैं अनबॉक्स और आपको दिखाते हैं। जैसे आप इसके बॉक्स को ओपन करते हो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है यूजर मैनुअल, एक रिमोट कंट्रोल और अपना साउंड बार और एक एचडीएमआई केबल जो है देखने को मिल जाती है। अब देखो ये सारी चीज़ें तो एक बॉक्स पैक्स है जो आपको वो साउंड बार के अंदर देखने को मिलते हैं। अभी इसका साउंड एक्सपीरियंस क्या है वो मैं आपको सुना तो रहा हूँ बट आपको उतना पता नहीं चलेगा। एक्चुअली मैंने इसको जिस तरह से फील किया है उस तरह से आप इसको फील करोगे तब जाके आपको इसको पता चलेगा। मतलब आप कहीं स्टोर वगैरह में जाके इसको फील करते हो या फिर परचेज करने के बाद, घर मंगाने के बाद जब आप इसको यूज़ करोगे तब पता चलेगा इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। अभी आप एक बार सुन लो। तो अभी देखो गाइज, मेरे को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा बट जब मैंने साउंड प्ले किया और इसका आवाज़ फुल कर दिया मैंने, तब ना टैबलेट जो है वो इस तरह से खिसक रहा था। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, जो है मैं जो म्यूज़िक को प्ले करता हूँ फिर से, मतलब साउंड ऑब्वियसली जो म्यूज़िक था वो ख़त्म हो गया था, फिर से एक बार देखना। मैं यहाँ से प्ले कर रहा हूँ, आवाज़ अभी फुली आप देख सकते हो यहाँ से, और स्पीकर से भी मैंने फुल कर रखा है। ये जो है माइक मैंने यहाँ पे रख दिया है और आवाज़ मैं प्ले कर सकता हूँ, अब देखना। अभी मेरे को नहीं पता आपने देखा है नहीं बट हाँ, टैबलेट जो है खिसक की यहाँ तक आ जा रहा था, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और एक बार म्यूज़िक भी ख़त्म हो गया मैंने जब बात कर रहा था। अभी बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी हम चला देते हैं बट इसका आवाज़ कम कर देते यार मेरे हिसाब से, हाँ बहुत कम कर देते हैं। और हाँ, इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट तो कुछ इस तरह से ही था, मतलब आप देख सकते हो मैंने टैबलेट यहाँ पर रखा है, टैबलेट खिसक रहा है, मतलब इतना इसका साउंड इतना अच्छा है। बट हाँ, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है बट जब तक आप इसको फील नहीं करोगे तब तक तो आपको पता नहीं चलने वाला। अब इसकी प्राइसिंग क्या है और किस तरह से आप इसको परचेज कर सकते हो, तो ये वाला जो साउंड बार है मैंने तो फिलहाल अभी ऑफलाइन परचेज किया है इसलिए आपको जो साउंड बार अकेला मेरे को देखने को मिला है और इसका जो है आपको छोटा दिख रहा होगा वीडियो में, एक्चुअली में बहुत बड़ा है, मतलब मेरी जो टीपो है उससे भी बड़ा है और इसको मैंने वॉल माउंट करने वाला हूँ। वैसे में ये जो है आपका कहाँ पर यूज़ आ सकता है, सीधी सिंपल सी बात, अगर आपके पास सबवूफर आपको ज़्यादा आवाज़ नहीं पसंद है तो ये सबवूफर के बिना वाला ऑप्शन है, इसके साथ में सबवूफर भी मिलता है। इसका ऑनलाइन वेरिएंट जो है इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आपको कुछ 8 या 9 हज़ार के अंदर सबवूफर के साथ ये जो साउंड बार है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ वो दोनों ही जो आपको देखने को मिल जाएंगे। बट मेरे को सबवूफर की इतनी कोई नीड नहीं थी, मेरे को बस साउंड बार चाहिए था तो मैंने साउंड बार जो परचेज किया है और आपको जो दिखाया और ऑलमोस्ट सारे जो जरूरत के फीचर्स है वो जो है आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। अभी आपको जो है मैं कैसे समझाऊँ, आपको छोटा लग रहा होगा क्योंकि वीडियोस में ना आपको चीज़ें का अंदाज़ा नहीं होता, मतलब कितनी बड़ी है कितनी छोटी है,
बट हाँ इसके कुछ स्पेक्स है या फिर ऐसा बोल लो कि जो साउंड बार है वो किस तरह से ड्यूरेबल है या नहीं, वो सबके बारे में बात करूँ। उससे पहले आपको जो है यहाँ पे जो है बोट की जो ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और नीचे की तरफ आपको जो है दो जेल पैड बोल दो या फिर रबर्स देख बोल दो, जिससे जो है ये एक जगह पे चिपक जाता है, मतलब अगर आप इसको टेबल वगैरह पे रख रहे हो तो ये हिलेगा नहीं। और अभी इसको जो है आपके पास अभी रिमोट नहीं है तो आप इसको किस तरह से ऑपरेट करोगे, वो भी एक सेंस वाली बात है ना। तो यहाँ पे जो है आपको पावर ऑन ऑफ का जो है बटन देखने को मिल जाता है, प्लस माइनस का भी बटन जो है देखने को मिल जाता है, और एक यूएसबी पोर्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसकी मदद से आप इसको एक्सेस कर पाओगे, मतलब अगर आपके पास के बाद रिमोट नहीं है तब जो है आप उसको कुछ इस तरह से एक्सेस कर पाओगे। अभी इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ, इसको पकड़ के बोलना मेरे लिए थोड़ा सा काइंड ऑफ। तो यार अभी देखो साउंड बार को साइड में रख दिया था मैंने, पर हाँ इसका एक आपको कंपैरिजन दिखा देता हूँ कि ये बड़ा है या छोटा आपको वीडियो के लिए। तो मैं जो है ना ये छोटा वाला साउंड बार दिखाता हूँ आपको एक्चुअली में, तो आप देख सकते हैं कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। ये ब्लूटूथ वाला है, मतलब ये वायरलेस है, ये वायर्ड है, बट हाँ आपको पता तो चल रहा होगा कौन सा वाला बड़ा है कौन सा वाला छोटा। तो अभी दोनों को साइड में रख देता हूँ, किसी को मेरे को गिराना नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको साइड में रखने के बाद बात कर। मैंने साइड में रख दिया है, और हाँ जैसे कि मैंने आपको साउंड बार दिखाया, आपको जो है बक्से भी दिखा देता हूँ एक बार, जिससे आपको श्योर हो जाए कि भाई छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। तो आप देख सकते हो ये छोटे वाला का बॉक्स है इतने सा, और मेरे हाथ में आ जा रहा है, ये देखो भाई कितना बड़ा है। तो भाई इसको इन दोनों को साइड में रख देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है इसलिए इसको साइड पे फेंकते। और हाँ आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एक्चुअली में कौन सा वाला साउंड बार आप लोग के लिए सही रहने वाला है उसके बारे में मैं बात कर लूँ। सही रहने वाला है मतलब अगर आपको ज़्यादा आवाज़ नहीं पसंद है, थोड़ा सा मिनिमम सा आपको साउंड रखना है। देखो साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी है ख़राब है ऐसी बात नहीं कर रहा मैं, साउंड क्वालिटी इसकी भी अच्छी है और सबवूफर के साथ आती है उसकी भी अच्छी है, बट मेरे को कोई नीड नहीं थी सबवूफर की, इसलिए मैंने जो सबवूफर इसके साथ में परचेज़ नहीं किया। मतलब हाँ आप 8,000-9,000 रुपये खर्च करते हो तो आपको जो सबवूफर भी इसके साथ में जो देखने को मिल जाता है ऑनलाइन। और बस इतना सही था इस वाली वीडियो में, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मैं बोलता हूँ आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जो है ऑल पे सेट कर देना, जिससे हम जैसे ही ऐसी नई कोई वीडियो रखें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं ऐसे ही एक और नेक्स्ट वाली अनबॉक्सिंग में, और ये आपको भले ही छोटा दिख रहा हो एक्चुअली में बहुत बड़ा बॉक्स है।